नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम सन 2011 के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, ये जो अधिनियम है इसकी भूमिका क्या रही है, भूमिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह अधिनियम सन 2011 में लागू हुआ था। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं या ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों एवं अभिकरणों जो शासन के नियंत्रण में है या स्वामित्व में है या किसी तरह से भी उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, उन पर ही ये क्या होगा, लागू होगा। तो ये इसकी भूमिका रही है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, धारा एक में बताया गया है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम क्या है? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संक्षिप्त नाम लागू होना 2011 से लागू है। और इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए धारा दो में बताते हैं। धारा दो में बात किया गया है परिभाषा के बारे में, कुछ विशेष शब्दों की परिभाषा बताया गया है। धारा तीन में बताया गया है नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। वहीं धारा चार में बताया गया है कि नियत समय में लोक सेवा प्रदान करने परिव्ययों का अधिरोपण एवं वसूली की देयता। नियत समय में लोक सेवा प्रदान करने, परिव्ययों का अधिरोपण करने एवं वसूली की देयता के संबंध में उल्लेख किया गया है। धारा पाँच में बताया गया है सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है, अधिकारियों की नियुक्ति। धारा छः बताया गया है लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य तथ्य या जानकारी, असत्य तथ्य या जानकारी देने के लिए दंड का प्रावधान। वहीं धारा सात कहता है अपील का अधिकार, अपील। धारा आठ सेवा शर्तों का उल्लेख करता है। वहीं धारा 9 नियम बनाने की शक्ति, सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और धारा 10 प्रावधान करता है कठिनाइयों को दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल 10 धाराएं हैं, 10 में से हमें 3 से लेकर के 7 तक का पढ़ना है, यही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू कर लेते हैं, धारा तीन से ही शुरू करेंगे। धारा तीन में बताया गया है नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, उसी के बारे में पहले देखते हैं। धारा तीन नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, उसी क्या परिभाषा है? देखिए, इस अधिनियम के अधीन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह नियत समय में लोक सेवा प्राप्त कर सके। इसको ध्यान से सुनिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। इस अधिनियम के अधीन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा। वहीं धारा चार क्या कहता है? धारा चार कहता है नियत समय में लोक सेवा प्रदान करने, परिव्ययों का अधिरोपण करने एवं वसूली की देयता का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। पहला पॉइंट कि अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रत्येक विभाग एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। इसको ध्यान रखेंगे, अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रत्येक विभाग एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि यदि
उत्तरदायी व्यक्ति को, उत्तरदायी व्यक्ति को आवेदन प्राप्त होता है तो वह आवेदक को एक अभिस्वीकृति देगा। यदि उत्तरदायी व्यक्ति को आवेदन प्राप्त होता है तो वह आवेदक को एक अभिस्वीकृति देगा और आवेदक का यह अधिकार होगा कि वह अपने आवेदन के संबंध में हो रहे कार्यवाहियों का जानकारी रखे। ठीक है, तो आवेदक का अधिकार भी यहाँ पे बताया गया है कि अपने आवेदन के संबंध में कार्यवाही की जानकारी वह प्राप्त कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। वहीं तीसरी बात बताया गया है कि यदि उत्तरदायी व्यक्ति नियत समय में कार्यवाही करने में असफल रह जाता है या असमर्थ रह जाता है, यदि उत्तरदायी व्यक्ति आवेदन पर नियत समय में कार्यवाही करने में असफल रहता है तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से एवं अधिकतम 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये प्रतिदिन लगेगा और अधिकतम 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड उस पर चार्ज किया जाएगा। अब जानते हैं धारा 5 के बारे में, धारा 5 सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के बारे में। धारा 5 में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक विभाग एक या एक से अधिक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो उत्तरदायी श्रेणी के नीचे का ना हो। इसको ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक विभाग एक या एक से अधिक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो उत्तरदायी श्रेणी के नीचे का ना हो। धारा 6 कहता है लोक सेवा प्राप्त करने हेतु झूठी तथ्य या जानकारी देना। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन में लोक सेवा प्राप्त करने हेतु किसी ऐसे तथ्य या जानकारी को प्रस्तुत करता है जो असत्य है तो उसके लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, लोक सेवा प्राप्त करने हेतु झूठी तथ्य जानकारी देने के लिए दंड का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन में झूठी तथ्य या असत्य जानकारी प्रस्तुत करता है तो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वह दंडनीय होगा। धारा 7 अपील का अधिकार। अपील यहाँ बताया गया है कि यदि इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किसी आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह अपीली अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। क्लियर, इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश या निर्देश के खिलाफ कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह अपीली अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर अपील जारी कर सकता है, अपील दायर कर सकता है, जिस पर कार्यवाही अपील जारी करने की या अपील प्राप्त करने की तारीख से 45 दिन के भीतर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा लोक सेवा गारंटी अधिनियम सन 2011, इसके प्रमुख प्रावधान आपको याद करने हैं और लिखना है। यदि इसके संबंध में कोई और भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।